दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया है। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि पिछले 3 साल से दिवाली के वक्त दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी का अंदेशा है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, जिससे न सिर्फ सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन होगा बल्कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मसलों का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण और संक्रमण के बीच अहम संबंध को देखते हुए मौजूदा महामारी संकट की वजह से पटाखे फोड़ना लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है। डीपीसीसी ने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध होगा। डीपीसीसी ने जिला अधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे निर्देशों के अनुसार उनको अमल कराएं और दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट जमा भी करें। हालांकि पिछले साल बैन के बावजूद भी दिल्लीवासी पटाखे फोड़ते हुए नजर आए थे।